मंदसौर जिले के दौरे के दौरान मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने नाहरगढ़ समीप गांव जगदाखेड़ी क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री देवड़ा द्वारा कोरोना से मौत हुई लोगों के परिजनों के घर जाकर उनसे मुलाकात की एवं साथ ही मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं परिवारजनों को ढाढ़स बंधाया। इस दौरान वित्त मंत्री देवड़ा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात एवं क्षेत्र को लेकर चर्चा की। वहीं वित्त मंत्री देवड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीसरी लहर को लेकर आम लोगों को सावधान होना पड़ेगा एवं कोरोना के नियमों का पालन करना होगा एवं मास्क पहनना जरूरी व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। भीड़ वाले इलाकों से बचने का प्रयास करें एवं भीड़ में ना जाएं। साथ ही टीकाकरण महाअभियान को लेकर भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति अपील की। वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन तीसरी लहर से लड़ने के लिए कारगर साबित होगी, इसलिए सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। जब मीडिया द्वारा सिंधिया जी को लेकर सवाल किया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, वो मंदसौर संसदीय आ रहे हैं, निश्चित उनका स्वागत है, अभिनंदन है। विधानसभा क्षेत्र है और हमेशा आते हैं जाते हैं। कोरोना के संकट को लेकर के अनेक लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका बड़ा भयंकर संकट आया है और अनेक लोग इस कोरोना के संकट में नहीं रह पाए। शायद मुझे लगता है कि कोई शब्द नहीं है कि क्या कहा जाए इस कष्ट के बारे में। कष्ट की पराकाष्ठा है और निश्चित रूप से हमारे बीच से हमारे बहुत साथी चले गए। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान भी करे, दिव्य आत्मा को शांति मिले, परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। अनेक साथी गए, उन सभी को जो कोरोना के संकट से गए हैं उन सबके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये अपील करना चाहूँगा कि दूसरी लहर पर तो नियंत्रण पा लिया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में इस संकट की घड़ी में उन्होंने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की है और जो कुछ सरकार के माध्यम से हो सकता था वो प्रबंध किए हैं। लेकिन अभी तीसरी लहर की जो संभावना है, मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि तीसरी लहर को देखते हुए भगवान करे ये लहर नहीं आए, क्योंकि जो संकट सबने देखा है सब लोग साक्षी हैं। लेकिन फिर भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना से बचाव के लिए, एक तरह से जीवन को बचाने के लिए जो वैक्सीन का प्रबंध किया है पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए निशुल्क, पूरा देश उनको धन्यवाद दे रहा है। और मैं ये अपील करना चाहूँगा कि कोई भी वंचित नहीं रहे, हर व्यक्ति वैक्सीन लगाए, जरूर लगाए और परिवार के सब लोगों को भी लगाने के लिए प्रेरित करें, गांव के लोगों को करें, पड़ोसियों को करें। अगर एक व्यक्ति को भी अगर हमने प्रेरित करके अगर वैक्सीन लगाई तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। ये बड़ा काम है, हर गांव का व्यक्ति इसमें लग जाए कि गांव में ये होड़ लगना चाहिए कि मेरा गांव 100% वैक्सीन कर चुका है। इस होड़ को मुझे लगता है कि करना चाहिए, मास्क बराबर लगाना चाहिए। अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये तीसरी लहर आए ही नहीं, लेकिन अगर आ गई तो उसके पहले हमको सारा इंतजाम करना चाहिए। और सबसे बड़ा इंतजाम इसका अगर बचाव का है तो वो वैक्सीन का है। और मैं मास्क लगाने के लिए भी आग्रह करूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके सब लोग रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करें और भीड़ वाले इलाके से बचें, भीड़ भड़के से बचें, बड़े आयोजन नहीं करें। जान है तो जहान है, ये बात देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी कि अगर हम जिंदे रहेंगे तो सब कुछ होगा। एक सवाल और था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में सक्रिय होने से यहाँ पर सिंधिया समर्थकों का दबदबा रहेगा, इस समय पार्टी के अंदर एक नया गुट तैयार हो रहा है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और निश्चित रूप से
वो अगर मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अगर आ रहे हैं तो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।